अमेरिकी चुनाव में शानदार जीत के बाद से जितनी सुर्खियों में खुद डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहे हैं, उससे कई ज्यादा सुर्खियों में भारतीय मूल के नागरिक रहे हैं। चाहे फिर वो कमला हैरिस हो या अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पत्नी उषा वेन्स, जिनकी तारीफ करने से खुद डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप को नहीं रोक पाए थे। लेकिन अब वापस से पहले की ही तरह एक और भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका में सुर्खियों में है। सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो उनको अमेरिका का देशभक्त तक कह चुके हैं। तो आखिर कौन है ये व्यक्ति जिसने अमेरिका के न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज चैनल्स तक में हर तरफ सुर्खियां बटोर रखी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और बताते हैं आपको पूरी खबर। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी की, जिन्होंने ट्रंप के विरोधी होने से लेकर ट्रंप की पसंद होने तक का सफर तय करा और अब अमेरिका की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। 39 साल के विवेक रामास्वामी टेक सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका जन्म तमिल भाषी परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उनके माता पिता केरल से अमेरिका आके बस गए, जिसके बाद उनका लालन पालन अमेरिका के ओहायो में हुआ। विवेक ने बताया कि वो एक रोमन कैथोलिक स्कूल जाया करते थे, लेकिन अक्सर अपने माता पिता के साथ मंदिर भी जाया करते थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वह येल लॉ स्कूल गए, जहां पर उन्होंने हेज फंड इन्वेस्टर के तौर पर काम भी किया और येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने से पहले तक लाखों डॉलर्स भी कमा लिए, जिसके बाद उन्होंने साल 2014 में रोवियट साइंसेस नाम की बायोटेक कंपनी की स्थापना करी, जो दवाइयों के लिए बड़ी कंपनियों से पेटेंट्स खरीदा करती थी। लेकिन बाद में उन्होंने 2021 में इस कंपनी की सीईओ के पद से भी इस्तीफा दे दिया। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक साल 2023 में उनकी कुल संपत्ति 63 करोड़ डॉलर के आसपास थी। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है उनके अमेरिकी राजनीति में चर्चाओं में होने की। तो आपको बता दें कि एक टाइम पर रामास्वामी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने इस ट्रैक से हटकर ट्रंप को समर्थन दे दिया। इसके साथ साथ विवेक रामास्वामी कई मौकों पर ये बात भी कहते नजर आए कि अगर वो देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वे अवैध प्रवासियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती। रामास्वामी को चीन का कट्टर आलोचक भी माना जाता है। उनका मानना है कि चीनी नीतियां अमेरिका के कारोबार को लेकर सही नहीं है और हमें चीन पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसके साथ साथ वो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के दौरान दिए गए नारे अमेरिका फर्स्ट के भी भाई समर्थक हैं और समय समय पर इसका प्रचार भी करते रहते हैं। ऐसे में साफ है कि विवेक रामास्वामी और ट्रंप की विचारधारा एक है और शायद इसलिए वो ट्रंप के खास भी हैं। मगर अब ट्रंप के खास होने की वजह से ट्रंप उन्हें खास पद भी सौंपने वाले हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने उन्हें अपने कैबिनेट में जगह दे दी है। वो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ मिलकर डॉज विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस विभाग की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी सभा में ही कर दी थी। इस मंत्रालय का काम सरकार की फिजूल खर्ची को रोकना और साथ ही साथ सरकार की एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करना भी होगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मगर ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए फॉलो करना ना भूलें हमारा चैनल इंस्टा फीड।